Hello friends, in this session we will discuss about actinomyces. Actinomycetes, they are gram-positive filamentous bacteria. They resemble fungus in that their morphology is like fungi. Fungus mein kya bahut sare filamentous forms hote hain, branching and filamentous forms are seen. So actinomycetes mein bhi aise branching filamentous form dikhte hain, isliye usko resembles fungus. Mycus means fungus. और एक्टिन मतलब फिलामेंट, तो फंगस जैसे फिलामेंट होते हैं उसमें, इसलिए उनको एक्टिनोमाइसिटिस बोलते हैं. वी आर ग्राम पॉजिटिव विद ब्रांचिंग फिलामेंट्स एंड माइसिलियल नेटवर्क इज सीन. माइसिलियम वैसे फंगस की प्रॉपर्टी है, जो हाइफे होते हैं फिलामेंट्स, फिलामेंट्स का जो मास होता है उसको माइसिलियम बोलते हैं, यानी कि हाइफे का जो मास होता है उसको माइसिलियम बोलते हैं. तो ऐसे टाइप का माइसिलियम जो फंगस में नेचुरली होता है वो एक्टिनोमाइसिटिस में भी देखा जाता है, इसीलिए ये इनका रिजेंबलेंस फंगस के साथ है. They are actually bacterias, but they resemble fungi in morphology. They are all non-motile, non-sporing and non-capsulated. They live in soil. They are mostly soil saprophytes. Some of the actinomycetes are even commensals in the human body, in the GI tract, in the genitourinary tract and on the skin, in the respiratory tract. Chronic granulomatous infections in man and animals are caused by them. There are four important genera, actinomycetes. May Actinomyces, Nocardia, Streptomyces और Actinomadura. Actis means ray and mycus means fungus. तो ray form में मतलब filamentous forms in the like rays दिखते हैं resembling fungi. It causes lumpy jaw in cattle and it is also known as ray fungus. Actinomyces is also known as ray fungus because it has ray-like appearance in the granules. Important species Actinomyces में Actinomyces israeli. यही सारी प्रॉपर्टीज़ जो एप्लीकेबल टू एक्टिनोमाइसिटीज़ है वही प्रॉपर्टीज एक्टिनोमाइसिस की भी हैं. नॉन मोटाइल, ग्राम पॉजिटिव, नॉन स्पोरिंग, नॉन एसिड फास्ट, माइसिलियल फॉर्म्स एंड ब्रांचिंग फॉर्म्स आर सीन. देखो ये माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है, तो ये फंगस जैसा लग रहा है, एक्चुअली ये फंगस नहीं, ये एक्टिनोमाइसिस है. थिन ब्रांचिंग फिलामेंटस फॉर्म्स. उनको ग्रो करने के लिए ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ और ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगर यूज़ कर सकते हैं, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ यूज़ कर सकते हैं. 35-37 डिग्रीज नॉर्मल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है 5-10% CO2 ग्रोथ के लिए. दे आर फैकल्टेटिव एनरोब्स और माइक्रो एरोफिलिक एंड स्लो ग्रोइंग बैक्टीरियाज. तो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरियाज मतलब जनरली काफ़ी सारे बैक्टीरियाज वन डे में कॉलोनी दे देते हैं, जैसे इकोलाई है, स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है वगैरह, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज में सेवरल डेज में जाके कॉलोनीस आती है, एक दिन से ज़्यादा टाइम लगता है. तो उसके कुछ एग्जांपल्स अपन अभी याद करें तो एक कोरिनेबैक्टेरियम डिप्थीरिए है, वैसे वो स्लो ग्रोइंग नहीं है लेकिन टेलुराइड चॉकलेट अगार पे वो 48 hours to 72 hours में कॉलोनी देता है, लेकिन लोफ्लर सीरम स्लोप में वो 6 to 8 hours में कॉलोनी देता है. फिर एटिपिकल माइकोबैक्टीरियाज है, वो सेवरल डेज टू सेवरल वीक्स लेते हैं ग्रो करने में. फिर लेप्टोस्पायरा में भी सेवरल डेज लग सकते हैं ग्रो होने में. फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में सेवरल वीक्स लगते हैं ग्रो होने में. फिर ये एक्टिनोमाइसिस में सेवरल डेज लग सकते हैं ग्रो होने में. दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया इन विच मल्टीपल डेज इट विल टेक फॉर ग्रोइंग इन द कल्चर मीडिया. पैथोजेनेसिस में बहुत सारे एक्टिनोमाइसिस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जेनेटोजेनरी ट्रैक में और गैस्ट्रोजेनस ट्रैक में एज ए कमेंजल रहते हैं, और नॉर्मली दे रिमेन एज कमेंजल्स. बस कभी कुछ ट्रॉमा हो, कुछ सर्जरी हो, कोई स्ट्रेस फैक्टर आए, इन्फेक्शन वगैरह, तो फिर वो इन्फेक्शन कर सकते हैं. तो यानी कि एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शन एंडोजिनस होने के चांसेस रहते हैं. मोस्ट कॉमनली एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शन एंडोजिनस होता है और नोकार्डिया इन्फेक्शन कॉमनली एक्सोजिनस होता है. एक्टिनोमाइकोसिस इज ए क्रोनिक डिजीज कैरेक्टराइज बाई मल्टीपल एब्सेसेस एंड ग्रैनुलोमेटा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ साइनसिस. ठीक है, तो एक्टिनोमाइकोसिस का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे. इट इज़ ए क्रोनिक डिजीज जिसमें मल्टीपल एब्सेस होते हैं, ग्रैनुलोमेटा फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, फाइब्रोसिस होता है और साइनस फॉर्मेशन हो जाता है. और डिजीज टिश्यू में आपको माइसिलियल मासेस देखने मिलेंगे. तो ये जो फंगस की जैसी दिखने वाली ये जो कॉलोनीज हैं एक्टिनोमाइसिस की, इन कॉलोनीज को बोलते हैं सल्फर ग्रैन्यूल्स. तो ग्रैनुलर फॉर्म में एक्टिनोमाइसिस की कॉलोनीज आपको डिजीज टिश्यू में मिलेंगी और इन ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं सल्फर ग्रैन्यूल्स, और वो वाइट या येलो कलर के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज. एक्टिनोमाइसिस की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं, वाइट या येलो. द ग्रैन्यूल्स में बी हार्ड एंड डार्क ब्राउन इन ओल्डर रीजन्स.
Most common human actinomyces infections are caused by Actinomyces israeli, and it several forms are possible. More common in rural areas and agricultural workers, and young males are most commonly affected. ये देखो एक एक्टिनोमाइसिस का स्वेलिंग एक लीजन है, उसमें 3S एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शन में 3S आप फॉर्मूला याद रख सकते हो. 3S मतलब एक तो स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग में मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसेस बन जाते हैं, साइनस ट्रैक्स जिसमें से डिस्चार्ज होता है, और वो साइनस ट्रैक्स में से जो डिस्चार्ज होते हैं वो डिस्चार्ज में आप देखोगे ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसको बोलते हैं सल्फर ग्रैन्यूल्स. तो यानी कि 3S स्वेलिंग साइनस एंड सल्फर ग्रैन्यूल्स, ये तीन प्रॉपर्टीज़ होती है एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शन में. 3S स्वेलिंग साइनस और सल्फर ग्रैन्यूल्स. 3 टाइप्स का होता है एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शन, सर्विकोफेशियल, थोरैसिक और एब्डोमिनल, और रेयरली पेल्विक टाइप का होता है जिसमें IUDs के साथ एसोसिएटेड होता है. सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइसिस में चीक और सब मैक्सिलरी रीजन इन्वॉल्व होते हैं. आपने ये जो फिगर देखा ये सर्वाइकोफेशियल वाला था. थोरैसिक में लंग्स, प्लूरा और चेस्ट वॉल, पेरिकार्डियम ये सब इन्वॉल्व होते हैं. एब्डोमिनल में सीकम इन्वॉल्व होता है और नेबरिंग टिश्यूज़, और रेयरली इंट्रायूटराइन डिवाइसेस के साथ एसोसिएटेड पेल्विक एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शन भी देखा गया है. एक होता है पंच एक्टिनोमाइसिस, पंच एक्टिनोमाइकोसिस. पंच एक्टिनोमाइकोसिस मतलब एक रेयर इन्फेक्शन है जो हैंड्स में हो सकता है, जब नकल्स किसी एडवर्सरी के टीथ पे अटैच होते हैं तो उससे नकल्स में इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड पंच एक्टिनोमाइकोसिस. एंडोजेनस होता है मोस्टली ये इन्फेक्शन, बिकॉज दे आर कमेंजल इन द माउथ, इंटेस्टाइन एंड वजाइना, और कोई ट्रॉमा हो, इन्फेक्शन हो, कोई सर्जरी करी हो, या पुअर ओरल हाइजीन हो, टिश्यू इन्वेजन हो, ये सब कंडीशंस में एक्टिनोमाइसिस का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है. एक्टिनोमाइसिस इजरायली द मेन स्पीसीज, इसके अलावा एक्टिनोमाइसिस निस्लुंडी, विस्कोसस, ओडेंटोलाइटिकम एक्सेट्रा अदर स्पीसीज. स्पेसिमेन कौन सा कलेक्ट करेंगे, पस लेंगे, साइनस में से डिस्चार्ज जो आ रहा है वो कलेक्ट करेंगे, या रेस्पिरेटरी के लिए स्पुटम, ब्रोंकियल सेक्रीशंस, या इन्फेक्टेड टिश्यू में से सैंपल लेंगे, और वो सैंपल्स में बहुत सारे सल्फर ग्रैन्यूल्स होते हैं, और सल्फर ग्रैन्यूल्स मतलब क्या कि वो जो एक्टिनोमाइसिस है उसकी छोटी छोटी कॉलोनीज हैं जो टिश्यूज़ में होती हैं, वो ग्रैनुलर फॉर्म में होती हैं, और दिस ग्रैनुल्स में भी प्रेजेंट ऑन द ड्रेसिंग मटेरियल ऑल्सो. ये देखो ये पेटी डिश में रखा हुआ है सल्फर ग्रैन्यूल्स, तो ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं प्लेट में. इन ग्रैन्यूल्स को अगर आप क्रश करोगे, क्रश करके फिर इनको माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो इसमें आपको फिलामेंटस ब्रांचिंग फॉर्म्स दिखेंगे, ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस ब्रांचिंग फॉर्म्स, एंड दे आर द एक्टिनोमाइसिस के ग्राम पॉजिटिव फॉर्म्स. माइक्रोस्कोपी में वाइट या येलो ग्रैन्यूल्स में से छोटे छोटे उसको क्रश करके अगर माइक्रोस्कोप में देखो दो स्लाइड के बीच में, और ग्राम स्टेन या जेरिन स्टेन करो, तो आपको फिलामेंटस ब्रांचिंग फॉर्म्स देखने को मिलेंगे. ऐसे माइक्रोस्कोप में दिखेगा, उसको रेस जैसा अपीरेंस है, इसलिए उसको बोलते हैं रे फंगस. एक्टिनोमाइसिस इज नोन एज रे फंगस. ग्रो करने के लिए थायग्लोकलेट ब्रॉथ में फ्लफी बॉल अपीरेंस, और ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ में स्पाइडरी कॉलोनीज देखने को मिलती हैं. तो ये भी उसके दो फीचर्स हैं एक्टिनोमाइसिस इजरायली की, फ्लफी बॉल अपीयरेंस इन थायग्लोकलेट ब्रॉथ एंड स्पाइडरी कॉलोनीज इन ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार. ये माइक्रोस्कोपी में ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस फॉर्म्स, ठीक है, कॉलोनी एक्टिनोमाइसिस की कॉलोनी ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार पे. जेल डिफ्यूजन, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, वो सब भी कर सकते हैं. फिर बायोप्सी में से हेमाटोक्सिलिन, इओसिन स्टेन कर सकते हैं. ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन है, और पेनिसिलिन एलर्जी हो अगर तो डॉक्सीसाइक्लिन एंड सल्फोनामाइड यूज़ कर सकते हैं. ये उसका स्वेलिंग, यहाँ पे 3S याद रखना, स्वेलिंग साइनस और सल्फर ग्रैन्यूल्स, 3S इन एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शंस. नोकार्डिया नेक्स्ट स्पीसीज, नोकार्डिया एरोब होते हैं वाइल एक्टिनोमाइसिस एनरोब होते हैं, और नोकार्डिया भी फीचर्स बाकी सब सिमिलर हैं काफ़ी. दे आर ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस फॉर्म, ब्रांचिंग फॉर्म्स आर सीन, वो भी नेचर में एज सेप्रोफाइट्स रहते हैं. इन्फेक्शन लेकिन नोकार्डिया का मोस्टली एक्सोजिनस होता है, और एक्टिनोमाइसिस का एंडोजिनस इन्फेक्शन. यानी कि ये दो फीचर्स आप इम्पोर्टेंट याद रख सकते हो, नोकार्डिया आर एरोब, एक्टिनोमाइसिस आर एनरोब्स ऑफ फैकल्टेटिव एनरोब, और नोकार्डिया इन्फेक्शंस आर जनरली एक्सोजिनस एंड एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शंस आर जनरली एंडोजिनस. दो स्पीसीज हैं नोकार्डिया एस्टेरॉइडिस एंड नोकार्डिया ब्राज़ीलियंसिस. नोकार्डिया एस्टेरॉइडिस को ये नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज इट इसकी कॉलोनी स्टार शेप होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स.
मॉर्फोलॉजी में ग्राम पॉजिटिव माइसिलियल फॉर्म्स आर सीन, और कुछ कुछ स्पीसीज नोकार्डिया में एसिड फास्ट होती है, और मॉर्फोलॉजी एक्टिनोमाइसिस जैसी होती है। उसको ग्रो करने के लिए यू कैन अगेन यूज़ ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार, यू कैन यूज़ सैब्रोडेक्स्ट्रोस अगार ऑल्सो। तो सैब्रोडेक्स्ट्रोस अगार क्या है? इट इज़ अ मीडियम यूज फॉर फंगस। तो फंगस के लिए यूज़ होने वाला कल्चर मीडियम ये बैक्टीरिया के लिए आप यूज़ कर सकते हो, तो ये भी एक अनयूजुअल पॉइंट हो गया। सो रिमेंबर सैब्रोडेक्स्ट्रोस अगार यूज़ फॉर फंगाई इज़ यूज़ फॉर ग्रोइंग नोकार्डिया ऑल्सो। फिर न्यूट्रेंट अगार भी यूज़ कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। स्लो ग्रोइंग है, 5 to 14 डेज में कॉलोनी आएगी। दे आर स्ट्रिक्ट एरोब्स। यीस्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार भी यूज़ कर सकते हैं। और 45 डिग्रीज पे ग्रो करो तो बाकी सब इनहिबिट हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो इट फेवर सिलेक्टिव ग्रोथ। फिर एक पैराफिन बेट टेक्निक करके होती है, उसमें ग्लास रॉड को कोट कर देते हैं और कार्बन फ्री ब्रॉथ में डालते हैं, और पैराफिन वैक्स से कोट कर देते हैं ग्लास रॉड को, तो वो वैक्स में से उसको कार्बन मिलेगा और नोकार्डिया ग्रो ऑन द रॉड एट द एयर लिक्विड इंटरफेस एंड दे में भी सब कल्चर ऑन टू अगर मीडिया फ्रॉम देयर। तो ये पैराफिन बेट टेक्निक में नोकार्डिया को पैराफिन वैक्स कोटेड ग्लास पे ग्रो करते हैं। एक्सोजेनस इन्फेक्शन नोकार्डिया में एस्टेरॉइड्स 90% ऑफ नोकार्डिया इन्फेक्शन एस्टेरॉइड्स करता है। ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीज करता है। इट में स्प्रेड टू CNS और स्किन, और सॉइल में नेचुरली पाया जाता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन करेगा, और ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीज़ में वो निमोनिया कर सकता है, लंग एब्सेस कर सकता है, या अदर लीजन्स रिजेंबलिंग ट्यूबरकुलोसिस। क्यूटेनियस इन्फेक्शन में माइसिटोमा, लिम्फोकुटेनियस इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस एंड सबक्यूटेनियस एब्सेसेस हो सकते हैं। लैब डायग्नोसिस करने के लिए पल्स लेंगे या पुरुलेंट स्पुटम है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। माइक्रोस्कोपी में ज़ेडन स्टेन करो, पार्शियली एसिड फास्ट होंगे, यानी कि कुछ कुछ स्पीसीज एसिड फास्ट है, उसमें 0.5 to 1% यूज़ करते हैं H2SO4 मॉडिफाइड ज़ेडन स्टेन। और ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस फॉर्म्स होते हैं, ये देखो माइक्रोस्कोपी में ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस फॉर्म ब्रांचिंग फॉर्म्स कैन बी सीन। ठीक है, ये भी ब्रांचिंग, मल्टीपल ब्रांचिंग फिलामेंटस GPB फॉर्म्स आर सीन। ये फंगस जैसा लग रहा है, दिखने में लगता है कि कोई फंगस है लेकिन वो है बैक्टीरिया। नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस दे आर बैक्टीरियाज विच रिजेंबल फंगस। ग्रोथ के लिए न्यूट्रेंट अगार, सैब्रोडेक्स्ट्रोस अगार, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार, और 3 weeks तक कल्चर करके रखना पड़ता है तो जाके ग्रो करते हैं। दे आर स्लो ग्रोइंग, और उसमें पैराफिन बेट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ग्लास रॉड पे पैराफिन वैक्स कोटिंग करके। फिर ब्रेड क्रम अपीयरेंस दिखता है नोकार्डिया की कॉलोनीज, कल्चर मीडिया पे देखो तो ब्रेड क्रम अपीयरेंस दिखता है, दैट इज़ अ फीचर ऑफ नोकार्डिया। कॉलोनीज क्रीमी ऑरेंजी और पिंक कलर्ड होते हैं, सरफेस में भी ड्राई और चौकी, और दे फर्मली एडहेयर टू द मीडियम, और उसका स्पीसिएशन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक और सर्जिकल ट्रीटमेंट, सल्फोनामाइड्स कैन बी गिवन, एमिकासिन, एमिपेनिम, मिनोसाइक्लिन, टोब्रामाइसिन, वैनकोमाइसिन। नोकार्डिया ब्रेजिलियंसिस और नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस हैं। नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करता है जनरली, और वैसे किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकता है, पर उसका जनरली इन्हेलेशन से एक्वायर करते हैं, और निमोनाइटिस इज द कॉमन इन्फेक्शन। इट कैन ऑल्सो लीड टू ब्रेन एब्सेस, बल्कि नोकार्डिया ब्रेजिलियंसिस में ऐसा है कि वो वुंड से आता है जनरली, और इट इज़ कनेक्टेड विद मदुरा फुट, और लिम्फोकुटिनियस डिजीज करता है, और कनेक्टेड विद किडनी डिजीजेस। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, एस्टेरॉइडिस में रेस्पिरेटरी और ब्रेन एब्सेस, और ब्रेजिलियंसिस में मदुरा फुट, लिम्फोकुटिनियस डिजीज और किडनी डिजीज। ये देखो ये स्वेलिंग है, डिस्चार्जिंग साइनसिस है, इसमें से सल्फर ग्रैनुल्स आएंगे, ये फुट में है मदुरा फुट। नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस के बीच में भी डिफरेंसेस हैं। ग्राम स्टेन में दोनों सिमिलर दिखते हैं, फिलामेंटस ग्राम पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स, लेकिन एक्टिनोमाइसिस में सनरे अपीयरेंस होता है, वो उसका एडिशनल फीचर है। एसिड फास्ट स्टेन में नोकार्डिया में कुछ स्पीसीज एसिड फास्ट है, एक्टिनोमाइसिस में नहीं होते। कल्चर में नोकार्डिया एरोबिक है, एक्टिनोमाइसिस एनरोबिक है। एक्सोजेनस इन्फेक्शन करता है नोकार्डिया, और एक्टिनोमाइसिस एंड्रोजेनस इन्फेक्शन करता है। ट्रीटमेंट में कॉट्रीमोक्साजोल नोकार्डिया में, और पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन एक्टिनोमाइसिस में। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस में बोन्स का भी इन्वेजन हो सकता है, दे कैन इन्वेड द बोन्स ऑल्सो। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज स्ट्रेप्टोमाइसिस इज अ बैक्टीरिया विच इज यूजफुल टू अस ऑल्सो एंड हार्मफुल टू अस ऑल्सो बोथ, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिस में से स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग मिलता है, ठीक है,
और दूसरी तरफ अगर स्ट्रेप्टोमाइसिस इन्फेक्शन कर दे तो वो इस टाइप के इन्फेक्शन कर सकता है जिसमें बोन्स भी इन्वॉल्व हो सकती है. दे आर फाउंड वर्ल्ड वाइड इन सॉइल एंड एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर्स एंड माइसीटोमा ऑकर्स मेनली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज. पस और बायोप्सी मटेरियल लेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिस के डायग्नोसिस के लिए. ऐसे दिखेगा माइक्रोस्कोप में फिलामेंटस फॉर्म्स. फिर माइसीटोमा क्या है? माइसीटोमा इज ऑल्सो नोन एज मधुरा फुट. इसके बहुत सारे नाम है, मधुरा बॉयल, मधुरा फुट, मधुरा माइकोसिस, मधुरा डिजीज, माइसीटोमा पेडिस, फंगस फुट, ये सब इसी के नाम है माइसीटोमा के. और ये है क्या? एक लोकलाइज्ड क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज ऑफ द सबक्यूटेनियस एंड डीपर टिश्यूज है. कॉमनली अफेक्टिंग द फुट एंड लेस ऑफन द हैंड एंड अदर पार्ट्स. और इट इज़ प्रेजेंट एज अ ट्यूमर विद मल्टीपल साइनसेस. इट कैन बी कॉज बाय फंगस, इट कैन बी कॉज बाय बैक्टीरिया. यानी एक्टिनोमाइसिस भी माइसीटोमा कर सकते हैं, नोकार्डिया भी कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस भी कर सकते हैं. वो तीनों तो कर ही सकते हैं, तो वो करेंगे बैक्टीरियल माइसीटोमा और दूसरा होता है फंगल माइसीटोमा जो वेरियस स्पीसीज ऑफ फंगा ही कर सकते हैं. और अफ्रीका और इंडिया में ये डिजीज़ पाई जाती है माइसीटोमा. उसका साइंटिफिक नेम है माइसीटोमा पेडिस मधुरा फुट. उसमें लार्ज ग्रोथ ऑल ओवर द फुट होते हैं, पर्टिकुलरली नियर द टोस. इट इज़ यूजुअली पेनलेस, और पेनलेस होता है इसलिए कई बार पेशेंट माइट इग्नोर, इसको पता नहीं चले, और इट में प्रोग्रेस टू एडवांस स्टेजेस. स्किन ब्रोकन हो जाती है और ऑर्गेनिज्म वहाँ से एंटर करता है और वहाँ से इन्फ्लेमेशन होता है. और ये सब होगा कहाँ पे? ये सॉइल में होते हैं, तो एग्रीकल्चरल वर्कर्स, बेयर फुट वर्कर्स, ये सब में ये रिस्क होता है माइसीटोमा फुट का. और फंगल स्पोर्स भी उसमें अंदर घुस सकते हैं, या तो ये एक्टिनोमाइसिस वाले ग्रुप के बैक्टीरिया भी ग्रुप घुस सकते हैं और दे कैन लीड टू माइसीटोमा और मधुरा फुट. थिक मूकस लाइक डिस्चार्ज होता है. मोबिलिटी भी अफेक्ट हो जाती है. पर्सन कैन नॉट वॉक प्रॉपरली इन दिस कंडीशन. इट विल अफेक्ट द मोबिलिटी ऑल्सो. एंड दे कैन स्प्रेड थ्रू आउट द फुट एंड अप टू द एंकल एंड लोअर लेग. अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो स्वेलिंग होगा. उसका मेडिकल डेफिनेशन ये है कि क्रोनिक इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द फीट एंड कैरेक्टराइज बाई फॉर्मेशन ऑफ लोकलाइज लीजन्स विद ट्यूमिफेक्शन एंड मल्टीपल ड्रेनिंग साइनसेस. और अलग अलग टाइप के ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, यानी कि इसमें फंगस और बैक्टीरिया दोनों है. तो जो अपन ने बैक्टीरिया में देखा था एक्टिनोमाइसिस के ग्रेन्यूल्स वाइट और येलो, वैसे अलग अलग फंगस के भी अलग अलग टाइप के कलर के ग्रेन्यूल्स बनते हैं. तो ये माइसीटोमा में आपको येलो, वाइट, रेड, ब्राउन, ब्लैक, ऐसे अलग अलग कलर के ग्रेन्यूल्स दिखेंगे. और वो ग्रेन्यूल्स क्या होंगे? दे विल जस्ट बी द कॉलोनीज ऑफ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. वो ग्रेन्यूल्स को अगर आप स्क्वीज करके स्लाइड पर लगा के माइक्रोस्कोप में दिखोगे तो उसमें आपको फिलामेंटस फॉर्म्स दिखेंगे. इसके सिनोनिम्स में फंगस फूट, मधुरा बॉयल, मधुरा फूट, मधुरा माइकोसिस, ये सब है. एक्टिनोमाइकोटिक माइसीटोमा और यू माइकोटिक माइसीटोमा, ऐसे दो बोलते हैं. एक्टिनोमाइकोटिक माइसीटोमा इज कॉज बाई बैक्टेरियाज जो एक्टिनोमाइसिटिस ग्रुप के हैं, एक्टिनोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टिनोमधुरा और सेप्टोमाइसिस. और यू माइकोटिक माइसीटोमा कॉज बाई फंगस, उसमें फंगस में करवोलेरिया, एक्सोफीलिया, मधुरीला, एस्परजिलस, फुसेरियम, फियालोफोरा, बाइपोलरिस, एक्रीमोनियम, ये सब फंगस कर सकते हैं. ये देखो वेरियस लीजन्स ऑफ मधुरा फुट, ठीक है. मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसेस है, ठीक है. ट्यूमिफेक्शन है, ठीक है. स्वेलिंग है, ठीक है. ये डिस्चार्ज में से आपको सल्फर ग्रेन्यूल्स दिखेंगे जिसको आप माइक्रोस्कोप में देखो तो वो यू कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये पेनलेस होता है तो काफ़ी लोग को उसको इग्नोर करते हैं और वो आगे बढ़ता जाता है, इंक्रीज हो जाता है. और एग्रीकल्चरल वर्कर्स और फार्मर्स वगैरह में होता है, विलेजेस में. लैब डायग्नोसिस मधुरा माइकोसिस का, वो ग्रेन्यूल्स को माइक्रोस्कोप में देखो तो यू कैन सी, यू कैन डू जिम्सा स्टेन, यू कैन डू ग्राम स्टेन, यू कैन डू ग्राम स्टेन एंड जेडन स्टेन. जेडन स्टेन में मॉडिफाइड स्टेन करेंगे 0.5 to 1%. और ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस फॉर्म्स इन ग्राम स्टेन, और जेडन स्टेन में एसिड फास्ट फॉर्म्स कैन बी सीन इन केस ऑफ नोकार्डिया. एंड अलग अलग कलर के ग्रेन्यूल्स हैं. दिस कलर ऑफ द ग्रेन्यूल्स विल ऑल्सो गिव एन इंडिकेशन कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स गिव पर्टिकुलर कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स. सर्जिकल डिब्राइजमेंट, सल्फा ड्रग्स, एम्फोट्रेक्सिन भी कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट. वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है. और अलग अलग टाइप के मेडिकेशन दिए जा सकते हैं जिससे स्वेलिंग कम हो जाती है
और ग्रोथ रिड्यूस कर सकते हैं, और बहुत सीवियर हो गया तो फिर एम्पुटेशन भी करना पड़े और सर्जिकल एस्पिरेशन करके वो सब ग्रोथ को रिमूव किया जा सकता है। फार्मर्स लंग करके एक कंडीशन है, जब कई थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटिस के स्पोर लाइक फेनिया और सैकरोमोनोस्पोरा स्पीसीज, उसके स्पोर्स जो हे में होते हैं, मोल्डी हे में होते हैं, वो जब फार्मर्स इनहेल करते हैं तो उनके अंदर एलर्जिक एलुलाइटिस डेवलप हो जाता है, विच लीड्स टू क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज फार्मर्स लंग। तो फार्मर्स इनहेल करें अगर थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटिस फ्रॉम द हे तो उनके अंदर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डेवलप हो सकता है, COPD, उसको बोलते हैं फार्मर्स लंग। विद दिस वी एंड द सेशन। अपन ने इसमें चार स्पीसीज देखे एक्टिनोमाइसिस के, चार ग्रुप्स देखे, सॉरी, एक्टिनोमाइसिस, नोकार्डिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस और एक्टिनोमधुरा, और एक कंडीशन नोन एज मधुरा फूट और मधुरा माइकोसिस देखा, और इसमें दे आर ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस बैक्टीरियाज। थैंक यू।